भैयू महाराज के ड्राइवर कैलाश द्वारा पुलिस को जो बयान दिया गया है उसमें सच्चाई नज़र नहीं आ रही है। कैलाश के अनुसार एक लड़की जो कि भैयू महाराज के कार्यालय में काम करती थी और जिसका अभी तक पुलिस को कोई पता नहीं चल सका है, उस अनाम लड़की द्वारा विनायक के शह पर भैयू महाराज को ब्लैकमेल करके 40 करोड़ रुपये नकद, बम्बई में 4 BHK का फ्लैट, एक बड़ी राशि की कार और कॉरपोरेट में नौकरी की मांग की जा रही थी। यह बयान भैयू महाराज के ड्राइवर कैलाश द्वारा पुलिस को दिया गया है। सच्चाई इसके विपरीत है। सच्चाई यह है कि भैयू महाराज के कार्यालय में काम करने वाली लड़की की इतनी हैसियत ही नहीं हो सकती कि वह भैयू महाराज से 40 करोड़ रुपए की मांग करे। छोटी मोटी राशि तो ठीक है, और जिस तरह से कैलाश द्वारा यह बयान दिया गया है, उस बयान के आधार पर आज तक पुलिस उस लड़की का पता क्यों नहीं लगा सकी है, और कार्यालय का कोई भी व्यक्ति उस लड़की का नाम क्यों नहीं बता सका है, और आखिर वो लड़की ऐसी कहाँ गायब हो गई? क्या उसे ज़मीन निगल गई या फिर वो आसमान में जाकर गायब हो गई? सवाल इस बात का है कि वो लड़की सामने क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि यह संभव नहीं लगता कि कार्यालय में काम करने वाली लड़की की हैसियत इतनी अधिक हो जाए कि वह इतनी बड़ी राशि की भैयू महाराज से मांग करे और उस राशि के कारण भैयू महाराज को आत्महत्या करने जैसा कठोर निर्णय लेना पड़े। इस बात की सच्चाई की पुष्टि कहीं से भी नहीं हो पा रही है। देखने वाली बात यह है, रहस्यमय लड़की आखिर पुलिस की गिरफ्त में क्यों नहीं आ रही है।